नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 अगस्त बुधवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि आमजन को सुशासन देना और सूचना तकनीक के उपयोग से घर बैठे सरकारी विभागों की समस्त सेवाओं की पहुंच सुलभ करवाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सभी प्रकार की नागरिक सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ें। साथ ही सभी विभाग इस साल 2 अक्टूबर तक अपनी समस्त योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारियां जन सूचना पोर्टल पर साझा कराएं। आईटी का उपयोग कर पारदर्शिता एवं सुशासन के लिए ऐसी पहल करने वाला राजस्थान पहला राज्य होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में सहायक अग्निशमन अधिकारी और फायरमैन के लिए 629 पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा कराने के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। राज्य सरकार के निर्देश पर चयन बोर्ड ने करीब 9 साल के लंबे इंतजार के बाद अग्निशमन कर्मचारियों अधिकारियों की भर्ती निकाली है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार फायरमैन के लिए 6 माह का फायरमैन प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। वहीं सहायक अग्निशमन अधिकारी के लिए नेशनल फायर सर्विस कॉलेज या फिर उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 साल का कोर्स अनिवार्य होगा। कोरोना काल में जब रेल यात्री यातायात प्रभावित हुआ तो रेलवे ने अपनी रणनीति पूरी तरह से बदल दी। यूं तो रेलवे पहले भी माल की ढुलाई से कमाई करता था, लेकिन इस बार रणनीति को पूरा ही घुमा दिया। इसका परिणाम ये रहा कि रेलवे ने जबरदस्त कमाई की और वो भी बेहद ही कम लागत में। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल के औसत दैनिक कुल राजस्व का लगभग 2/3 यात्री यातायात से और माल ढुलाई राजस्व 1/3 था। मंडल ने इसे वर्तमान में माल ढुलाई राजस्व में 65% तक बढ़ा दिया है। जयपुर रेल मंडल को उम्मीद है कि सितंबर 2021 तक 100% से अधिक की हो जाएगी। राजस्थान विश्वविद्यालय में 11 साल से अटके शिक्षकों की प्रमोशन की प्रक्रिया आखिरकार बुधवार से शुरू होगी। सिलेक्शन कमेटियों द्वारा पहले दिन समाज शास्त्र विभाग के शिक्षकों के साक्षात्कार लिए जाएंगे। इसके बाद अलग अलग दिन अन्य विभागों का बारी बारी नंबर लिया जाएगा। CAS की प्रक्रिया शुरू होने से शिक्षकों में खुशी की लहर है। एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर पद पर पदोन्नति के लिए 2013-14 में विश्वविद्यालय के 272 शिक्षकों ने आवेदन किया था। इन सभी शिक्षकों को 2010 से इसका लाभ मिलना था, लेकिन ये प्रक्रिया आगे ही नहीं बढ़ पाई। DNP क्षेत्र की समस्याओं को लेकर प्रदेश भाजपा महामंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में बाड़मेर जिला भाजपा का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय श्रम व रोजगार व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि बाड़मेर में बॉर्डर पर दर्जनों गांव की जमीन को 1980 के आसपास डेजर्ट नेशनल पार्क में घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद से ही यहाँ पर बसे हजारों परिवारों के लिए मूलभूत सुविधाओं की समस्या बनी हुई है। राजस्थान में केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों सहित 30 विधायक और 8 सांसदों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक मामलों में 57 मुकदमे चल रहे हैं। मौजूदा सरकार के 33 माह के कार्यकाल में सांसद विधायकों से बड़ा मुकदमा वापस लेने की जानकारी तो नहीं आई है, लेकिन वर्तमान सरकार के पहले साल 2019 में 15 मुकदमे वापस लिए गए। सरकार ने विवाद से बचने के लिए मंत्री स्तर पर मुकदमे वापसी की व्यवस्था रोक कर इस कार्य के लिए गृह सचिव सहित 3 अधिकारियों की कमेटी बना दी है। इसमें अभियोजन निदेशक व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध को भी मिल किया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत देशी नस्ल की गायों का संरक्षण एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन विभाग बेहतर कार्य करने वाले पशुपालकों व गौशालाओं को पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए 15 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। पुरस्कार के लिए वे किसान या पशुपालक आवेदन कर सकते हैं जिनके पास गाय की प्रमाणित स्वदेशी 50 नस्लों अथवा भैंस की 17 देशी प्रमाणित नस्ल में से किसी एक का पालन कर डेयरी संचालित कर रही हो। कोरोना से बचाव के लिए कोविड टीकाकरण में शहर के महात्मा गांधी अस्पताल के केंद्र ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इस सेंटर पर अब तक 56,293 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इनमें से 12,000 से ज़्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। भीलवाड़ा जिले में अब तक 11,54,658 लोगों को टीके लग चुके हैं। टीकाकरण के मामले में प्रदेश में मंगलवार को भीलवाड़ा MGH पहले स्थान पर तथा 49,831 टीकाकरण राजीव गांधी ऑडिटोरियम प्रदेश में तीसरे स्थान पर था। जयपुर विद्युत वितरण निगम पर इन दिनों कोर्ट में खाज का हवा चरितार्थ साबित हुई है। विद्युत चोरी व छीजत के कारण निगम को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर गत माह से अब तक मॉनसून के मौसम में हवा, पानी व आकाशीय बिजली गिरने से निगम के कई विद्युत उपकरण खराब हो गए हैं, जिससे निगम को अनुमानित 124 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसी तरह चालू वर्ष में ही अब तक 481 ट्रांसफार्मर जल गए और 11 ट्रांसफार्मर चोरी भी हुए हैं।
साल 2019 में घोषित 480 दंत चिकित्सकों की भर्ती के लिए साल 2019 में सरकार ने बजट घोषणा की थी। इस भर्ती का इंतजार प्रदेश के 6000 रजिस्टर्ड डॉक्टर कर रहे हैं। प्रदेश में एक सरकारी दंत महाविद्यालय समेत 13 दंत महाविद्यालय हैं। हर वर्ष यहां से 2000 दंत चिकित्सक पास होकर निकलते हैं, जो भर्तियों में चल रही उपेक्षित नीति के चलते बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। प्रदेश में 2400 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और 650 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। यहां लगभग 300 दंत चिकित्सकों के सामुदायिक स्वास्थ्य पर पद रिक्त हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंगलवार शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पंजाब में पनप रहे ड्रोन जैसे ताज़ा खतरे, किसान आंदोलन और किसान नेताओं की सुरक्षा पर बात की। उन्होंने शाह से सेंट्रल फोर्स की 25 कंपनियां भी मांगी हैं। इनकी तैनाती जालंधर, अमृतसर, लुधियाना, मोहाली, पटियाला, भटिंडा, फगवाड़ा और मोगा में करने के लिए कहा है। कैप्टन ने बताया कि प्रदेश में 5 किसान नेताओं की जान को खतरा है। ये नेता पंजाब और हरियाणा पुलिस की सिक्योरिटी लेने से इनकार कर चुके हैं। धरती का तापमान बढ़ने से भारत में कैसी तबाही होगी, इसकी आशंका अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अपने एक रिपोर्ट में जताई है। ये रिपोर्ट 2100 तक की तस्वीर दिखाती है, तब समुद्र का जल स्तर बढ़ने से भारत के 12 तटीय शहर 3 फीट तक पानी में डूब जाएंगे। इनमें ओखा, मोरमुगाव, कंडला, भावनगर, मुंबई, मैंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, तूतीकोरन, कोच्चि, पारादीप और पश्चिम बंगाल के किड्रोपोर तटीय इलाके पर पड़ेगा। ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पारित हो गया। इसके समर्थन में 385 वोट पड़े, विरोध में एक भी नहीं। बुधवार को इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा, यहां भी इसका पास होना तय है। इसके पास होने के बाद राजस्थान में 3 जातियां, नातरायत, हबशी और खत्री छिपा, ओबीसी सूची में शामिल हो सकती हैं। अभी इस सूची में कुल 91 जातियां हैं। 1994 में 52 जातियां ही थी। स्टेट ओबीसी कमीशन ने 3 जातियां और जोड़ने की सिफारिश की है। नातरायत मेवाड़ के अलावा सिरोही, जालौर व पाली, हबशी जालौर जिले में हैं और खत्री छिपा बाड़मेर में हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने टोक्यो में अनुशासनहीनता बरतने के लिए महिला पहलवान विनेश फोगाट को निलंबित कर दिया है, जबकि सोनम मलिक को अनुचित बर्ताव करने के लिए नोटिस जारी किया है। दोनों खिलाड़ियों को फेडरेशन ने 16 अगस्त तक जवाब देने का समय दिया है। विनेश फिलहाल फेडरेशन की किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकती हैं। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि उसने 17 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान की 9871 करोड़ रुपए की 5वीं मासिक किस्त जारी कर दी। राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत उनकी केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के अंतरण के बाद होने वाले राजस्व घाटे की भरपाई के लिए अनुदान दिया जाता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।